किसानों के दिल्ली प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच यूपी सरकार के एक मंत्री के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार पर पलटवार किया है। अभी मैंने एक बयान देखा उत्तर प्रदेश के एक मंत्री अनिल शर्मा का, जिसमें उन्होंने किसानों को गुंडा कहा। मुख्यमंत्री जी, आपको देश के किसानों से माफी मांगनी होगी। आपको यह बताना होगा कि एमएसपी के साथ है कि एमएसपी के खिलाफ है। आपको बताना होगा कि जमाखोरों के साथ है कि जमाखोरी का खिलाफत करते हैं। आज किसान पैदल चल रहा है, लाठी खा रहा है, आंसू गैस के गोले छेड़ जा रहे हैं, सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया जा रहा है। किसान पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का अपना अधिकार मांगने जा रहा है, तो आपके मंत्री गुंडा कर रहे हैं। आपको किसानों से माफी मांगना होगा, आपको आपके मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अगर आपने अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, आपने देश के किसानों से माफी नहीं मांगी, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे और विषय को लेकर जनता के बीच में जाएगी, सड़कों पर आंदोलन करेगी। देश का किसान दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है, आत्महत्या करने पर विवश है। आपका मंत्री कहता है गुंडे हैं, शर्म नहीं आती? आपने किसानों के साथ जिस तरह का बयान दिया है, देश आपको माफ नहीं करेगा।